हाँ, यानी हम सबको भाषा ही करेंगे क्या, भाषा का विकास उसके बाद आएगा। इस भाषा में जो कल्पना का विकास है, साहित्य, संगीत, सिनेमा, नाटक, नाट्य यानी रंगमंच, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, इसके ओवरव्यूज, इसका एक संक्षिप्त में परिचय। इस भाषा में जो कल्पना शक्ति का विकास है, जैसे मैंने दिया साहित्य, उसका ओवरव्यू आएगा, एक संक्षिप्त परिचय आएगा। डिटेल हिस्ट्री लिखेंगे तो 500 पेजेस भी पूरे नहीं होंगे, संक्षिप्त परिचय। और हमारे में से अगर हिंदी कोई पढ़ाते होंगे तो जरूर अट्रैक्शन रहेगा कि पूरा इतिहास लिखूंगा, क्योंकि पिछली बार प्रेमचंद को ज़्यादा ऊंचाई पे बिठाया था, मैं थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ, वो नहीं करें। एक और भी बहुत ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू देना। संगीत, भाषा, संगीत से भाषा को योगदान होता है, जैसे हिंदी गाने से, हिंदी गानों से, गीतों से, हिंदी की जो वृद्धि हुई है अंतर, फिर उसमें सिनेमा, नाट्य और रंगमंच, फिर जर्नलिज्म। जो हम लोग बोल के संकलित कर रहे हैं तो लोक साहित्य से जुड़ गया, लोक साहित्य, लोक साहित्य तो आएगा ही है, जो संगीत की बात करेंगे वो लिखिए। हर भाषा के लिए इसमें अलग अलग आपको वो करना पड़ेगा अरेंजमेंट, हर भाषा को ध्यान में रखें। इसके बाद का जो मुद्दा आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट मिस ऑन इट एट ऑल, इट इज लैंग्वेज, एज दिस लैंग्वेज, एज द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भाषा। और इसमें ज्ञान की भाषा के रूप होते हैं प्रकट रूप, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान कहते हैं नॉलेज, वहाँ बंगाल में ज्ञान कहते हैं, महाराष्ट्र में ज्ञान कहते हैं, क्योंकि संस्कृत का वो जो अक्षर है कैसे पढ़ना, ये भारत में कोई नहीं बोल सकता, थ्री डिफरेंट, फोर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत के ऐसे पाँच छः अक्षरों की स्थिति है। आप लू का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, हिंदी में होता है बोलते हैं, गुजरात में लू बोलते हैं, जो बाद में खत्म हो गया, वो वैदिक संस्कृत में था, वो वैदिक संस्कृत का वर्ड है, तो संस्कृत और सर। लेकिन इसका जो मानक उच्चारण होते हैं, इसका मानक